अस्सलाम वालेकुम, मैं मिडिल क्लास मानती यार। यूट्यूब चैनल पे जो ट्रैवल व्लॉग था वो ये है। ये बहुत मशहूर जगह है यार, आज माया बागा बॉर्डर। यार ये देखे हम वो जगह पर आ गए, वो देखे आपको सामने नजर आ रहा है ना, वो इंडिया है, सामने इंडिया और इस तरफ पाकिस्तान है। ये दो झंडे हैं, इतनी दूर से हम इस झंडे को देखते आ रहे, तकरीबन 2 किलोमीटर से हम इसे देखते आ रहे थे। 10-15 मिनट बाद ये पास आए हैं हम इसके, नहीं तो दूर से ही हम इसे देख भी नहीं। हम यार आपको एक बात बताएं, जोन था इंडिया का वो एयरफोर्स का फौजी था अभिनंदन, उसे हमने इसी रास्ते से इंडिया भेजा था, लेकिन बेचारे की किस्मत वो वहाँ जाके भी नहीं बच पाया। यार जब मैं ये बागा बॉर्डर के अंदर आया था ना, तो यार मेरा दिल धड़क रहा था, इतनी तेज मैंने फौजियों को करीब से पहली बार देखा था, इसलिए मेरा दिल इतना धड़क रहा था। आज मैंने देखा तो फौजियों का उनके कद भी इतने लंबे लंबे, और देख के डर लग रहा था, खून को पता नहीं अंदर से क्या। यार अब हम आस्ता आस्ता करीब जा रहे हैं, बहुत जज्बा महफूज आ रहा है दिल में। अब परेड खत्म हो रही है, हम जैसे ही आस्ता आस्ता पास जा रहे हैं, कुछ जज्बा और भर रहा है दिल को, कुछ हो रहा है। अब वहाँ पर जाके हम परेड देख रहे हैं। जिंदाबाद अल्लाह। जी जल्दी आपको दिखाते हैं झंडा उतरने वाला है, बात जल्दी है। अभी हम 3 मरतबा पाकिस्तान जिंदा बाद कहा गए, पाकिस्तान 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 जिंदा बाद जिंदा बाद। बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एंजॉय किया यार, लेकिन हमें एक चीज़ की कमी नज़र आई है, जैसे कनाडा और यूएसए में है ना, इधर से उधर जा सके, ऐसे यहाँ होना चाहिए कि हम उनसे ज़्यादा लेके उधर जा सके और वो हमारी ज़्यादा लेके इधर आ सके, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे यहाँ यार। तो यार जैसा कि वो है यार, उनके और हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, के साथ अच्छे से ताल्लुकात होने चाहिए, और इंडिया और पाकिस्तान का अमन होना चाहिए, दोनों आपस में दोस्ती हो, हम उधर जा सके और वो इधर आ सके, इंजॉय करते रहे। तब बहुत दिल कर रहा था इंडिया जाने का, लेकिन उन्होंने 0 लाइन तक भी नहीं जाने दिया। तेरा नहीं दिल कर रहा
यार उस्मान वैसे बड़ा दुख हो रहा है, यहाँ से आगे वापस आ रहे हैं यार, हम उधर नहीं जा सकते, पास गए हम उनके कुछ कदम पास है, हम जाकर वापस आ रहे हैं। लेकिन इंडिया वाले और ये देखें, ये भी मोर है और शेर भी लाएगी यार, ये हमारे घर से 25 किलोमीटर के फासले पर है, हम आपके लिए हैं यार। ये वही जगह है जहाँ पर 1965 को इंडिया आई थी, इंडिया के फौज, तो ये डस्टबिन पास है, ये देख रहे हैं लोगों ने फिर घूमने यार, ये बहुत बुरी बात है। ये तकरीबन 7 से 8 ट्रैवल ब्लॉग बना रहे हैं और बहुत जगह वहाँ पर भी गंदगी होती है, मैंने कोई ऐसा अपना जो ट्रैवल ब्लॉग नहीं बनाया जहाँ पर गंदगी ना हो, हर ब्लॉग में जो सा बनाता हूँ वो जगह पे जाता हूँ ना पास, जहाँ पर डस्टबिन पास है फिर भी गंदगी इतनी फैली हुई है। यहाँ तक ना हमने 7 से 8 बार अपना शनाख्ती कार्ड चेक करवा दिया, यहाँ पर इतनी सख्त है ना ये, यहाँ बहुत सिक्योरिटी है यार, ये बहुत अच्छी बात है, ये हिफाजत के लिए अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन यहाँ मेरे जैसे लोग भी हैं जिन्हें बहुत मुश्किल होती है, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त करूँगा अपने पाकिस्तान के लिए। यार यहाँ एक रेंजर पब्लिक स्कूल भी तैयार हो रहा है जो कि हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, जो इन लोगों का शौक है रेंजर में आने का वो यहाँ ज़रूर आए। शख्स गरीब होता है जिसके पास, यार आपने सुना ना लोग कहते हैं वो शख्स गरीब होता है जिसके पास ना पैसा होता है, ना कोई घर होता है, ना कोई रहने के लिए चीज़ नहीं होती, वो बड़े सड़कों में, वो गरीब नहीं होता, जिसके पास हुब्बुल वतन का प्यार ना ना वो बहुत ही गरीब होता है।